समझ रहे मेरी बात ना? हाँ हाँ और आप विपरीत दिशा में चल रहे हैं। एक एक दिशा होता है जिधर भीड़ चलती है, आप भीड़ से अलग चल रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हाँ तो ठीक है, और हम आपके साथ हैं, हम जो भी सहयोग जो भी हमारा जो भी होगा आप बताइएगा, मैं आपको साथ रहूंगा। जी जी ठीक है, अपना बदलाव पहले मैं आपकी शख्सियत तो जान लूँ। नहीं नहीं सर, मेरी कोई शख्सियत नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, सिंपल सा एक मतलब आपके तरह इंसान हूँ। हाँ बस ये है कि हिंदुत्व के लिए हम लोग लगे रहते हैं, हिंदुत्व को जगाने के लिए जो भी चीजें कह लीजिए, मतलब मिला जुला के हिंदुत्व के ठेकेदारों ने एक मिनट राजीव जी, हिंदुत्व के ठेकल जिन लोगों ने लेके रखा है, 10 साल के बाद उन्होंने संविधान की व्यवस्था के बावजूद ढेर सारे जो नियम कानून उस संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए गए हैं और धार्मिक भेदभाव के आधार पर बनाए हैं, जिसने हिंदुओं को द्वितीय दर्जे का वो बना दिया है। मतलब अपने देश में जो हिंदुओं का देश था, क्योंकि मुसलमानों के लिए तो आपने पाकिस्तान दे दिया था, तो आपको अपने ही देश में द्वयम दर्जे का सिटीजन बना दिया, और उन्होंने जिन्होंने हिंदुओं का ठेका लेके रखा उन्होंने उन नियमों को रिपील नहीं किया। अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, बकबोर्ड एक्ट क्यों होना चाहिए? इट शुड बी आउटराइट रिपील्ड, इट इज अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम 40-44 संशोधनों की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यदि वो संविधान की व्यवस्था के विपरीत ऐसे ढेर सारे का वर्शिप प्लेसेस एक्ट इज ए ग्रॉस वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस एंड वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट, भाई साहब उसे रिपील क्यों नहीं किया आपने? आपके पास जो है ना लोकसभा में भी मेजोरिटी थी, राज्यसभा में भी मेजोरिटी थी, केवल एक रेजोल्यूशन पास करना था कि इस पुराने एक्ट को जो है ना रिपील किया जाता है, हाँ की जीत हुई ना की हार हुई। लेकिन हम लोग विवेचन में समय बिताना चाहते हैं, अपनी विद्वत्ता प्रूव करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं वो करते रहिए, हमको तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए। देखिए मुझे सामने वाला सज्जन है या दुष्ट है कोई लेना देना नहीं, वो अच्छा है या बुरा है इससे भी कोई लेना देना नहीं, हम तो कह रहे हैं यदि वो अपराधी भी है तो भी मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे तो वाल्मीकि ऋषि जी डकैत थे, उन्होंने तो राम के जन्म लेने के पहले रामायण लिख दी थी, मतलब वो इतने भविष्य दृष्टा थे कि राम पैदा नहीं हुए थे उसके पहले रामायण लिख दी उन्होंने। तो मेरा ये कहना है कि हमें किसने अधिकार दिया कि हम किसी को सज्जन या दुष्ट कहें, हमें किसने अधिकार दे दिया हम किसी को अच्छा या बुरा कहें, हमें किसने अपने कर्म से वो होता है ना जो भी होता नहीं है नहीं, लेकिन हमें कह रहे हैं वो कर्म वो करे वो जाने। हम तो ये कह रहे हैं भैया तुम्हें अच्छा भारत चाहिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, जिसमें 21 महालक्ष्य मिलेंगे और 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे, आपको तकलीफ नहीं दी जाएगी, आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, आपसे जुलूस निकालने के लिए नहीं कहा जाएगा, आपको धरना देने के लिए नहीं कहा जाएगा, आपसे कोई सिग्नेचर अभियान नहीं चलाया जाएगा, कलेक्टर SP मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने नहीं जाया जाएगा, किसी कोर्ट कचहरी में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में PIL नहीं लगाई जाएगी, रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर धरना नहीं दिया जाएगा, और तो और आपका सोच चिंतन और क्रियाकलाप भी नहीं बदलेगा। फिर भी इतने सबके बावजूद भी यदि हम ये संकल्प लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि हमें अच्छा भारत चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैथिली शरण गुप्त अपने समय के थोड़े पहले आ गए हैं, उन्हें इंतजार करना होगा। क्या सोचते हैं आप राजीव जी? नहीं नहीं ठीक है, मतलब क्योंकि चीजें तो उसी समय होंगी जब जो है ना कॉस्मोस ने डिसाइड करके रखी है, नहीं तो लोग बाग जो है पागल कहते हैं, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं कि मोहम्मद तुगलक को पागल शासक क्यों कहा जाता था, जबकि उसने सभी काम बहुत चतुराई के किए, बस समय के पहले कर दिए। तो यदि आज जो लोग हैं दुष्टता में, आज की दुर्व्यवस्था में, आज के भ्रष्टाचार में, आज के अत्याचार अपमान और उत्पीड़न में यदि लोगों को आनंद आ रहा है, तो मैं इस बात को बहुत अच्छे ढंग से महसूस करता हूं कि फिर मैथिली शरण गुप्त को किसी का ज्ञान नहीं बढ़ाना चाहिए। उन्हें यदि उस आनंद का लाभ मिल रहा है तो उन्हें उस आनंद का लाभ लेने देना चाहिए। जब उनमें अच्छे भारत की प्यास जाग जाए तब जो है ना उनसे कहें भैया जुड़ जाओ और ये कर लो, और हमें तो ज्यादा समय नहीं चाहिए, 9 दिन में प्रताप हो जाएगा। और राजनेता यदि उनके लिए भी 2 अध्याय हैं, यदि उसका पालन कर देंगे तो वो 240 से 500 पार कर जाएंगे, और यदि नहीं करेंगे तो उनका सर्व विनाश हो जाएगा। इसमें हमें किसी उनको भी उनका भी हम राजनेताओं का ना सोच बदल रहे हैं, ना चिंतन बदल रहे हैं, ना क्रियाकलाप बदल रहे हैं। बस जो
इस प्रोसेस से बनके जो नियम कानून आएंगे उन्हें पार्लियामेंट में पास करना है, उसका द्वितीय अध्याय ये कह रहा है, और वो पास करेंगे नहीं तो उनका सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि वो सभी के सब, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे, क्योंकि फिर जो 100 करोड़ महारथियों ने जिनको अच्छा भारत चाहिए वो अपने चंद्रगुप्तों को जो है ना के फेवर में संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे, तो हमारे किसी भी चंद्रगुप्त को किसी के सामने वोट मांगने नहीं जाना होगा। सभी 543 लोग 100 करोड़ लोगों के संकल्प, शपथ और प्रतिदिन जो है ना थाली बजाकर दीपक जलाकर जो संकल्प लेंगे, और जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन में जाके बटन दबाएंगे, तो बताइए इन 543 लोगों को जीत विजयी होने से कौन रोक सकेगा। क्या सोचते हैं आप? नहीं ठीक है, चलिए आपने मुझे ध्यान से सुना और आपने मुझे ये भी सलाह दी कि मैं करंट के खिलाफ बह रहा हूं, ये मुझे पूरी तरह से आभास है, लेकिन जीवित व्यक्ति ही करंट के अगेंस्ट बहने की हिम्मत और ताकत रख सकता है। हम में से जो लोग मृत हैं वो तो लकड़ी वाहत जो है ना धारा के प्रवाह में बहेंगे, तो करंट के विरुद्ध बहना और चलने का दुस्साहस करना आपके जीवित रहने का कुछ ना कुछ प्रमाण देता है। मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? सही कह रहे हैं, 100% यूनिवर्सल ट्रू। तो आओ, हम तो यही कह रहे हैं कि हम तो आपसे करंट के विरुद्ध भी चलने के लिए कह रहे हैं, छोटी सी प्रार्थना।